जिला जलंधर के महतपुर विखे सीनियर अकाली आगू रविपाल सिंह आदरा मान का देहांत हो गया। भारत ते चीन विचकार वधी तलखी तो बाद अज दोवां देशां दे ब्रिगेड कमांडर पद्धर दी वार्ता होण जा रही है। इस दे नाल ही भारत ने अपने सुरक्षा बलां नूं भारत चीन भारत नेपाल अते भारत भूटान दी सरहद ते अलर्ट रहण दे लई कहा है। श्री गणेश जी की मूर्ति विसर्जन ते बंगा विच समागम किया गया। बंगा विच शोभा यात्रा उपरंत श्री गणेश जी की मूर्ति सतलुज दरिया विच विसर्जन की गई, जिस दौरान बंगा का एक नमन नामी 17 साल नौजवान दरिया विच डुब गया। बंगा के आजाद चौक विच उक्त नौजवान का पिता चाह की दुकान ते काम करता सी अते ओ उसका इकलौता पुत्र सी। कबड्डी जगत के प्रेमियों लिए बड़ी ही मंदभागी खबर सामने आई कि प्रसिद्ध कबड्डी खिडारी मनदीप सिंह गोरा पंजग्राई ने मानसिक परेशानी के चलद इस फानी संसार नूं अलविदा आख्या। प्राप्त जानकारी अनुसार मनदीप सिंह उर्फ गोरा पंजग्राई जो पिछले समय तो दिमागी परेशानी का शिकार सी अते बीते दिन बाद दोपहर उसकी लाश घर के नेड़े बंद पे पेट्रोल पंप के कमरे विचों मिली। मौत के असल कारणों का पता नहीं लग सकिया। गोरा पंजग्राई की मौत का पता चलदिया ही इलाके विच सोग की लहर दौड़ गई। वड्डी गिनती दे विच पुजे खेड प्रेमियों ने केवल पति की शमशान घाट विच गोरे नूं अंतिम विदायगी दित्ती। मोगा के अजीतवाल विच पिता वालों नाबालग धी के बाहरी संबंधों के चलदे अनक की खातर गला घुट के हत्या कर दी गई है। लाश पिंड के छप्पड़ सुट दी गई। पुलिस वालों लाश में छप्पड़ बाहर कढ़वाया गया। जानकारी मुताबक पिता पुलिस ने काबू कर लिया है। श्री फतेहगढ़ साहिब के चावला चौक नेड़े वापरे सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत और एक के जख्मी होने की खबर सामने आई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना सरहंद के ASI जसवीर सिंह ने दसिया कि बलवीर सिंह वासी जखवाली और अमृतपाल सिंह वासी चंदू माजरा मंडी गोबिंदगढ़ तो ट्रैक्टर ट्राली राही सरिया लद के राजपुरा वल जा रहे सन। जदों चावला चौक नज़दीक पहुंचे तो ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया, जिस कारण अमृतपाल सिंह नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और बलवीर सिंह नामक व्यक्ति जख्मी हो गया। पंजाब के साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अपने दफ्तर तो वीडियो बयान जारी करदे कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार कोरोना की रोकथाम और मरीजों की सांभ संभाल करने विच इस कदर फेल हो चुकी है कि पिंडां दीआं पंचायतां ना केवल मरीजों नूं सरकारी हस्पताल जां एकांतवास केंद्रां विच भेजण दे खिलाफ ने बल्कि टैसट वास्ते सैंपल भी ना देण दे मते पास करन नूं मजबूर हो गईआं ने। उन्हां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहा है कि मैं अपील करदा हां कि मीडिया विच झूठ बोल बोल के लोकां दी जान नाल खिलवाड़ करना बंद करन अते बिना होर समां गवाए सूबे दे सिहत प्रबंधां विच अतलड़िंदे सुधार करन। जेकर उह करन तों असमर्थ हन तां अपने अहुदे तों अस्तीफा दे देण। लुधियाना दे विच लुटेरिया दे हौसले किन्ने बुलंद हो गए ने इसका अंदाजा इस गल तो लगाया जा सकता है कि गिल रोड तो बाद लुधियाना दे समराला चौक नेड़े दी वैस्टर्न यूनियन दे दफ्तर दे विच लुट दी वारदात नूं चार हथियारबंद लुटेरिया ने अंजाम दिता, जिस विच दुकान दा मालक बुरी तरह जख्मी हो गया। हालांकि लुट किन्ने रकम दी होई है इसका खुलासा नहीं हो सकया क्योंकि जख्मी नौजवान नूं ही पैसों बारे जानकारी सी। विश्वव्यापी महामारी कोरोना विचकार पार्लीमेंट का मानसून इजलास 14 सितंबर तो 1 अक्टूबर विचकार होने जा रहा है। रिपोर्टा मुताबक पार्लीमेंट के मानसून इजलास विच प्रश्नकाल नहीं रखा गया। बठिंडा विखे दिल्ली बठिंडा रेलवे लाइन से एक नौजवान की कटी हुई लाश मिली है। मृतक की पहचान रणदीप सिंह जिसकी उम्र 25 साल दसी जा रही है, जो कि बाबा दीप सिंह नगर का वासी सी। जानकारी अनुसार मृतक मानसिक तौर पर परेशान रहता से शराब पींदा आदि सी। बीती रात तो बिना दसे घर उठ के आया और सवेरे पता लगा कि उसकी दिल्ली बठिंडा रेलवे लाइन से कटी हुई लाश पई है। सहारा वर्करा ने मौके पर आके थाना GRP नूं इसकी जानकारी दी। उत्थे पुलिस ने लाश नूं कब्जे में लैके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी है। Wish to study and settle abroad? With India's most trusted company, more than 3,000 plus visas in the past year. Meet international delegates. Get scholarship up to rupees 40 lakhs. More than 2,000 plus programs to choose from. Awarded number one consultant by Canadian and American institutes. Visit www.landmarkimmigration.com.